वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अनमोल विचार चैनल विच तुहाडा स्वागत है। अपनी अज दी वीडियो दा विषय है कि ओ केड़े पंज मनुख ने जिन्हां दी अरदास पूरी नहीं हो सकदी। तो अपनी अज दी वीडियो विच उसे बारे गल करांगे। इस करके पूरी वीडियो नूं ध्यान दे नाल सुनना। तो देखो जी, साडी जिंदगी दे विच जदों भी कोई दुख जां सुख आउंदा है असी अपने वाहेगुरु अकाल पुरख जी वल भजदे आ। वाहेगुरु जी दे अगे अरदास बेनतियां करदे आ। पर साडे विचों कई मनुख अजे ने जो कह दिंदे ने कि असी बहुत पाठ कीते, पूजा कीती, अरदास कीती, पर साडी तां वाहेगुरु जी ने सुनी नहीं। तां फिर वाहेगुरु अकाल पुरख जी उन्हां मनुखां दी क्यों नहीं सुणदे? तां इत्थे मेरे वाहेगुरु अकाल पुरख जी कहिंदे ने, मैं उन्हां लोकां दी अरदास बेनती नहीं सुणदा जो सिर्फ अपने भले बारे सोचदे आ। क्योंकि कई मनुख अजे हुंदे ने जो सिर्फ ते सिर्फ अपना नफा सोचदे ने, अपना ही फायदा सोचदे ने। उन्हां दे वल्लों दूसरे दा चाहे नुकसान हो जावे, तां इहो जिहे इंसान दा अपना भला कदी हो नहीं सकदा। वाहिगुरु जी कर ही नहीं सकदे, क्योंकि वाहिगुरु अकाल पुरख जी तां उन्हां दा भला करदे ने जो हर वेले सरबत दे भले दी सोचदे ने। फिर उन्हां नूं अपने भले दी सोचण दी लोड़ नहीं पैंदी। वाहिगुरु अकाल पुरख जी अपने आप उन्हां दे कम्मां नूं निपरे चढ़ा दिंदे ने। अते दूसरे इंसान वो होंदे ने जिन्हां दी अरदास पूरी नहीं हुंदी, वह जो अपने घर दीआं औरतां दी इज्जत नहीं करदे। क्योंकि औरत नूं जननी दा दर्जा मिलिया है, तां जेकर आपां जन्म देण वाले माता पिता दी इज्जत नहीं करदे तां सानूं बाहरों कितों इज्जत मिल ही नहीं सकदी। साडे गुरु साहिबानां ने, संत महापुरखां ने सानूं हमेशा मां प्यो दी इज्जत करनी, उन्हां नूं सत्कार देना सिखाया है। जिन्ना सत्कार मां प्यो दा करांगे उन्ना ही सत्कार सानूं बाहरों मिलेगा। अते तीसरे मनुख ओ हुंदे ने जो अन्न दी बेकदरी करदे ने, भाव कि थोड़ा खाणा अते बहुता सुटना। जो अन्न दी बेकदरी करदे ने उन्हां मनुखां दी कदर किते नहीं पैंदी। अते चौथे मनुख ओ हुंदे ने जिहड़े अपनी गलती हुंदिआं होइआं वी नहीं मन्नदे, सच नूं छड्ड के झूठ दा साथ दिंदे ने। उन्हां झूठिआं दा मेरे वाहिगुरु अकाल पुरख जी कदी वी साथ नहीं दिंदे। पंजवें मनुख ओ हुंदे ने जो किसी मजबूर किसी गरीब की मजबूरी का फायदा चुकते ने, उन्हां दी वाहिगुरु अकाल पुरख जी कदी भी अरदास पूरी नहीं करते। इस करके जे वाहिगुरु जी की कृपा चाहिए या वाहिगुरु जी दीआं खुशियां ते बरकतां चाहीदियां ने, तां फिर सानूं वाहिगुरु जी दे दसे हुए मार्ग ते चलना पैना है। हमेशा सरबत दा भला सोचो, सरबत दा भला करो, अपने वड्डियां दा सत्कार, मां प्यो दी इज्जत मान सत्कार करो। कदे भी झूठ दा साथ नहीं देना, अते अपनी गलती नूं करके छुपाउणा नहीं है। क्योंकि जदों आपां गलती करके मन जांदे आ तां ओह फिर गलती माफ करन दे योग हो जांदी है।